आज चर्चा करते हैं अपन एग के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में अपन ने ओजेनेसिस की बात की थी, उससे पहले अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ली, कहने का मतलब गैमेटोजेनेसिस की अपन ने बात कर ली थी, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस हो गया था अपना। और उसके बाद में हम बात करते हैं एग की, और एग जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस प्रकार का एग होता है, उन सभी बातों की अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार का एग होता है, जंतुओं की अपन बात करें तो जंतुओं में किस किस प्रकार का एग होता है, उन सभी की अपन बात करते हैं। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एग की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, टाइप्स ऑफ एग, टाइप्स ऑफ एग। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, किन किन जंतुओं में किस किस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, उन सभी की अपन एक एक करके अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग मतलब पित्तक की मात्रा के आधार पर, पित्तक के मात्रा के आधार पर, पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे के प्रकार की हम बात करें कि पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे एक तो होता है एग लेसिथल, एक होते हैं माइक्रोलेसिथल, एक होते हैं मीजोलेसिथल और एक होते हैं पॉलीलेसिथल। ओके, अगर बात की जाए पित्तक की मात्रा के आधार पर, तो पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे चार प्रकार के होते हैं, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और पॉलीलेसिथल। एलेसिथल को हिंदी में कहा जाता है एपिक, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, एपिक। माइक्रोलेसिथल को हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म पिक। मीजोलेसिथल को हिंदी में कहा जाता है मध्यम पिक और पॉलीलेसिथल को हिंदी में कहा जाता है अति पिक। पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे चार प्रकार के होते हैं, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और पॉलीलेसिथल। एपित की एलेसिथल, सूक्ष्म पित्त की माइक्रोलेसिथल, मध्यम पित्त की मीजोलेसिथल और पोली अति पित्त की मतलब पॉलीलेसिथल। अगर कहा जाए कि एपित्त की का मतलब क्या होता है, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा नगण्य होती है, एपित्त की मतलब पित्तक नहीं होता है, अपन कह सकते हैं ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा नगण्य होती है, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा नगण्य होती है उन्हें एपित्त के अंडे कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेटाथीलिया और यूथीलिया में ऐसे अंडे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मेटाथीलिया और यूथीलिया जो है, मेटाथीलिया जो है उसमें जैसे कंगारू आ गया, यूथीलिया जो है इसमें क्या आ गया, मनुष्य आ गया। तो उनके अंदर जो है वो किस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, एलेसिथल एग में होते हैं। तो ऐसे अंडे
जिनमें पित्तक की मात्रा, आपको मैंने कल बताया बेटा ध्यान हो तो, कि योग जो अंडा होता है उस अंडे में पित्तक पाया जाता है, येलो और व्हाइट, ठीक है, प्रोटीन और वसा। और ये जो पित्तक होता है, ये योग होता है, ये एम्ब्रियो को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करने का जो है वो काम करता है। ठीक, तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर पित्तक जो होता है वो नगण्य होता है, तो उसको अपन एनेसिकल कहते हैं। अब आपको हिसाब ये है, अगर पित्तक ही नहीं है तो फिर पोषण का, देखिए जैसे अपने मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर जो माता के गर्भ में होता है तो माता के द्वारा प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है उसको पोषक पदार्थ जो मिलते हैं। ज्यादा आवश्यकता पित्तक की किस में होती है, पित्तक की ज्यादा आवश्यकता होती है उन अंडों में जो कि माता के शरीर के बाहर दिए जाते हैं, जैसे पक्षियों वगैरह की अपन बात करते हैं, अंडा दे दिया उसके बाद माता से रिलेशन कट गया उसका, तो वहां पर जो अंडे शरीर के बाहर दिए जाते हैं उनमें पित्तक की मात्रा ज्यादा आवश्यकता। की हो गया एनेसिकल, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा नगण्य होती है उसे अपन क्या कहेंगे, एपिथिकी कहते हैं। एग्जांपल बेटा के लिए आपको यूज, ओके। दूसरे अगर सूक्ष्म पित्ती की बात करें तो अपन कैसे, सूक्ष्म नाम से पता चलता है, सूक्ष्म पित्ती मतलब पित्तक की मात्रा कैसी हो, सूक्ष्म, तो अपन डेफिनेशन दे सकते हैं ऐसे अंडे, ऐसे अंडे जिनमें, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है। ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, कौन सा कहेंगे, माइक्रोलिस्ट, या अपन कह सकते हैं ऐसे अंडे जिनमें सूक्ष्म मात्रा में पित्तक उपस्थित होता है उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोलेसी तरह अपन कह सकते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका है एम्फियोक्सस, एग्जाम्पल है इसका एम्फियोक्सस और ट्यूनिकस, एग्जाम्पल, ठीक है। तो सूक्ष्म पित्ती मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे अंडे जिनकी जिनमें पित्तक बहुत ही कम पाया जाता है, ऐसे अंडे जिनमें सूक्ष्म मात्रा में पित्तक उपस्थित होता है उन्हें सूक्ष्म पित्ती कहा जाता है। और किस किस में पाया जाता है, एम्फियोक्सस, ट्यूनिकस, उनमें अंडा जो होता है वो बहुत ही, अंडे में पित्तक बहुत ही कम पाया जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सूक्ष्म पित्त। नेक्स्ट आता है मीजोलेसिकल, देखिए मीजोलेसिकल का क्या मतलब है, नाम से पता चला मध्यम पित्त की, मतलब पित्तक मध्यम, ना ज्यादा ना कम, तो अपन कह सकते हैं ऐसे अंडे, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक मध्यम मात्रा में पाया, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक मध्यम मात्रा में पाया जाता है मध्य पित्ती कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो फ्रॉग, एपिसिया, टिप्नोइडस। फ्रॉग जो कि एम्फीबियन है, इसके अलावा आप दे सकते हैं उसके एप्लिसिया है, डिप्नोई है, पेट्रोमाइजोन है, ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल है, मध्यम के। तो ऐसे अंडे जिनमें पित्तक मध्यम मात्रा में पाया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, उसे अपन मीजोलेसिकल कहते हैं या मध्यम के। एग्जाम्पल हो गया फ्रोग, एप्लिसिया, डिप्नोई, पेट्रोमाइजोन, एनिलिडा, ये सभी इसके एग्जाम्पल आ जाए। नेक्स्ट है अति पित्ती, नाम से पता चलता है अति पित्ती मतलब पित्तक की मात्रा का बहुत ज्यादा होना, तो अपन कह सकते हैं ऐसे अंडे, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक
बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे अंडे जिनमें पित्तक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसके पोली देसी तरीके। एग्जाम्पल आप कह सकते हो एविज पक्षी जो है उनके अंदर, इंसेक्ट्स जो है उनमें, एविज मतलब पक्षी, इसके अलावा इंसेक्ट जो है कीट, ठीक है, उनके अंदर जो है पाया जाता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स है उनके अंदर भी पाया जाता है, रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स में भी जो है वो किस प्रकार के अति पीत की प्रकार के जो अंडे हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपन बात करें कि पित्तक की मात्रा के आधार पर अगर अपन बात की जाए तो पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे जो हैं वो चार प्रकार के हो गए। अपन बात करें टाइप्स ऑफ एग की, पित्तक की मात्रा के आधार पर अगर अंडे के प्रकार की बात की जाए तो पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे चार प्रकार के हो गए। नंबर एक एलेसिथल, जिसको अपन अति एपित की कहते हैं। एपित की का मतलब होगा कि ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा नहीं पाई जाती है या जिनमें पित्तक की मात्रा नगण्य होती है। एग्जाम्पल मेटाथीरिया, जिसमें कंगारू अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूथीरिया जिसमें अपन मानव को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। दूसरा होता है माइक्रोलेसिथल, और माइक्रोलेसिथल जो है उसका मतलब हो गया सूक्ष्म, और सूक्ष्म पित्ती का मतलब होगा कि पित्तक सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म होती है, एग्जाम्पल एम्फियोक्सस, यूनिकेट्स। नंबर तीन मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल मतलब मध्यम पित्ती, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक जो है वो मध्यम होता है, न तो ज्यादा होता है ना ही कम होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं मध्यम पित्ती कहते हैं। और मध्यम पित्ती अंडे किन किन जीवों में पाए जाते हैं, फ्रॉग में, एप्लीसिया में, डिप्लोइड में, पेट्रोमाइजोन में, एनलेडा में। इसके अलावा पोलीलेसिथल, नंबर चार क्या है पोलीलेसिथल, पोलीलेसिथल का मतलब क्या हो गया अति पित्ती, अति पित्ती का मतलब ऐसे अंडे जिनमें पित्तक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल एविज, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ये सभी जो है वो एग्जाम्पल हो गए किसके, पॉलीलेसिथल के एग्जाम्पल हो। ये बात थी अपने ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, पित्तक की मात्रा के आधार। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, ये अपन ए नाम देता हूँ और उसमें मैं बी की बात करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, कहने का तात्पर्य होगा पित्तक के वितरण के आधार, पित्तक के वितरण के आधार का मतलब हुआ कि जो अंडा है उस अंडे में योग पाया जाता है, पित्तक पाया जाता है, उसका वितरण किस प्रकार से, वितरण का मतलब होगा कि वो किस प्रकार से अंडे में फैला हुआ है, क्या पूरे अंडे में फैला हुआ है या आधे अंडे में फैला हुआ है, आधे में है तो कहां पर है या थोड़े से भाग में फैला हुआ है, वो उसका वितरण हो गया। तो पित्तक के वितरण के आधार पर भी अंडे को कई भागों में बांटा गया, कई प्रकार से बांटा गया, और अलग अलग जीवों के अंदर वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोलेसिथल, जिसको अपन कह सकते हैं संपित, आइसोलेसिथल जिसको अपन संपित की अपन उसको कह सकते हैं, इसी को अपन कहें कि होमोलेसिथल भी अपन इसको कह सकते हैं।
और इसका मतलब यह हुआ कि सम, सम का मतलब क्या होता है, समान, आइसोलेसिथल, या मैंने कहा कि इसको अपन क्या कह सकते हैं, होमोलेसिथल भी बोल सकते हैं, होमोलेसिथल जो है वो होमोलेसिथल भी इसको कहा जा सकता है। और इसका जो मीन्स हो गया वो मीन क्या हो गया, नाम से पता सम, सम, समान, कि पित्तक जो होता है वो समान रूप से अंडे में फैला हुआ रहता है, पित्तक जो होता है वो समान रूप से अंडे में फैला हुआ रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सम। अपन कह सकते हैं कि ऐसे अंडों में, ऐसे अंडों में पित्तक समान रूप से, पित्तक समान रूप से विकृत रहता है। ऐसे अंडों में पित्तक समान रूप से विकृत रहता है, समान रूप से विकृत का मतलब हो गया कि पूरा जो अंडा है उस पूरे अंडे में, जैसे मान लीजिए कि ये एग है, ये मान लीजिए एग है, इस एग में पूरे में समान रूप से जो है वो पित्तक क्या है पाया जाता है। तो ऐसे अंडे जिनमें पित्तक समान रूप से वितरित रहता है उन्हें समपित्त के अंडे कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो अपन कह सकते हैं माइक्रोलेसिथल है, माइक्रोलेसिथल